सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आहूजा का एलेक्सए 7600 एम्पलीफायर का प्राइस डिटेल्स। जैसा कि एक भाई का कमेंट था कि इस एम्पलीफायर में हम कितने वाट का बेस, कितने वाट का टॉप चला सकते हैं, और हाँ आज के वीडियो में बात करेंगे कि इसका अभी का प्राइस कितना है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 2024 लास्ट होने वाला है। तो आप मान के चलिए कि 2024 लास्ट का इसका प्राइस आपको भी देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एम्पलीफायर के बारे में। तो एम्पलीफायर आप देख सकते हैं यहाँ पर आहूजा का एलेक्सए 7600 डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है। चैनल 1 चैनल 2 के लिए गेन ऑफ मिलते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन काफी अच्छा खासा मिलता है, आहूजा का ब्रांडिंग है एंड क्लिप प्रोटेक्शन सिग्नल, और यहाँ पर टेम्परेचर का भी लाइट इंडिकेशन आपको सामने फ्रंट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ईयर पास के लिए होल्स दिए गए हैं छोटे छोटे, कि इस एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन जिस क्या होगा, इसमें कितना है वाट का हम बेस वगैरह चला सकते हैं, मतलब इसका आउटपुट कितना है वो हम देख लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर आउटपुट के बारे में। तो आउटपुट आप देख सकते हैं एम्पलीफायर का, ये आपका 8 ओम्स में 1600 वाट पर चैनल, मतलब 1600 वाट एक चैनल में आपको एम्पलीफायर निकाल के देगा, मतलब ये 1600 वाट एक चैनल में, 1600 वाट दूसरे चैनल में 8 ओम्स लोड में, और वही चीज 4 ओम्स में 2600 प्लस 2600, मतलब 2600 वाट एक चैनल में, 2600 वाट दूसरे चैनल में 4 ओम्स के ऊपर आप चलाते हैं, तो इतना आउटपुट आपको देगा एम्पलीफायर। एंड यहाँ पर 2 ओम्स में आप देख सकते हैं 3800 वाट प्लस 3800 वाट का पर चैनल आउटपुट हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रिज आउटपुट। ब्रिज आउटपुट देख सकते हैं काफी हेवी है, 8 ओम्स में 5200 वाट का RMS पावर निकाल के दे रहा है एम्पलीफायर, और 4 ओम्स के ऊपर 7600 वाट का RMS पावर निकाल के दे रहा है। तो मतलब कि काफी हेवी वाटेज का बेस अगर आपको चलाना है तो आप 4 ओम्स के ऊपर 3000 वाट के आसपास लगभग दो बेस आप चला सकते हैं। और यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 आपको देखने को मिलता है, और एम्पलीफायर का जो वेट है वो यहाँ पर 39 किलो 500 ग्राम अप्रोक्स इसका वजन यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया है। और चलिए इसका लोड कैलकुलेशन देखते हैं, हम इसमें 4 बेस कितने वाट के चलाएंगे और 4 टॉप हम इसमें कितने वाट का चला सकते हैं, साथ ही साथ इसके प्राइस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें लोड कैलकुलेशन, तो यहाँ पर अगर हम बेस चलाना चाहते हैं तो सिंपल एक एक बेस एक एक चैनल में हम चला सकते हैं कुछ इस टाइप से, और एक एक बेस चलाना चाहेंगे आप तो आप यहाँ पर 1500 वाट का बेस चला सकते हैं, मतलब एक स्पीकर 1500 वाट एक चैनल में, 1500 वाट एक चैनल में दूसरे चैनल में, इस टाइप से लोड आप डाल सकते हैं। और अगर हेवी लोड है आपका तो हेवी लोड में थोड़ा सा ज़्यादा लोड डाल सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में लगभग 1800 वाट का स्पीकर मिल जाएगा, तो 1800 वाट का भी हम इसमें लोड डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है, काफ़ी अच्छा बेस भी आपको मिल जाएगा। ओजर कंपनी का आप जानते हैं आहूजा का 1300 वाट का स्पीकर है, तो आप आहूजा का 1300 वाट का एक एक स्पीकर चला सकते हैं, या फिर 1500 वाट वगैरह 1800 वाट 2000 वाट तक का भी आप स्पीकर इसमें चला सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 4 स्पीकर के लिए, बात करते हैं यहाँ पर 4 बेस, मतलब 4 बेस बोले तो 2 बेस एक चैनल में, 2 बेस दूसरे चैनल में। इसका पावर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 1300 वाट का स्पीकर जो हमारा रहता है आहूजा में, 1300 वाट का स्पीकर रहता है, उसको आप पकड़ के चलिए कि हम इतने वाट का इसमें बेस चला सकते हैं। अगर आप आहूजा का स्पीकर चलाना चाहते हैं तो 13 × 26, मतलब 2600 वाट का जो SWX 2600 आता है बेस, वो वाला बेस आप इसमें चला सकते हैं कंप्लीट, काफ़ी अच्छा रहेगा, 2 डुअल बेस आप इसमें काफ़ी अच्छे से चला पाएंगे। ओदर कंपनी का अगर चलाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनी में आते हैं 1500 वाट के स्पीकर, तो उस टाइप के स्पीकर आप इसमें 4 बेस भी आप चला सकते हैं, तो यहाँ पर 1500 वाट का हम इसमें स्पीकर लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना लोड हम डाल सकते हैं, काफ़ी हेवी एम्पलीफायर है, और आहूजा अपने स्पीकर के हिसाब से एम्पलीफायर भी मतलब बनाता है और उसका लोड कैलकुलेशन भी करता है, मतलब सभी का जो पावर नापने का जो टेक्निक है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से आप बेस का लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टॉप के लिए, तो अगर आप टॉप इसमें चलाना चाहते हैं तो 2 टॉप चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेवी पावर का टॉप चला सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर 4 टॉप चलाना है तो इस एम्पलीफायर में 4 टॉप इजीली हम चलाएंगे। यहाँ पर 2 टॉप एक चैनल में लगाएंगे और 2 टॉप एक चैनल में चलाएंगे, कुछ इस टाइप से हम चला सकते हैं। स्पीकर का जो वाटेज रहेगा वो काफ़ी हेवी पावर ही आप मान के चलिए, यहाँ पर जो स्पीकर का पावर रहेगा वो यहाँ पर 800 वाट का स्पीकर हम चला सकते हैं, कोई भी कंपनी का स्पीकर जो हमें मार्केट में मीडियम बजट में जो स्पीकर हमें मिल रहे हैं उस टाइप के स्पीकर हम इसमें 800 वाट के चला सकते हैं, 800 वाट डुअल टॉप, और यहाँ पर HF हो जाएगा,
तो सभी में कुछ इस टाइप से लोड कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर वही चीज आहूजा का स्पीकर रहेगा तो आहूजा का स्पीकर आप जानते हैं काफ़ी हैवी पावरफुल स्पीकर रहता है, उसका मैग्नेट भी काफ़ी बड़ा रहता है और दूसरे ब्रांड के मुकाबले। तो यहाँ पर हम स्पीकर का वाटेज 650 वाट का रखेंगे, तो कुछ इस टाइप से हम रख सकते हैं। तो आप सभी में इस टाइप का वाटेज रख सकते हो चारों टॉप में। तो यहाँ पर दो टॉप एक चैनल में, दो टॉप दूसरे चैनल में, इस टाइप से लोड डालेंगे तो आपका एम्पलीफायर भी काफ़ी फ्री चलेगा, गर्म भी नहीं होगा और एम्पलीफायर में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर लोड कैलकुलेशन हो गया है। अगर हम बात करते हैं इस एम्पलीफायर का प्राइस, क्योंकि इसका प्राइस इम्पोर्टेंट है और ये 2024 लास्ट का प्राइस हम देखने वाले हैं। यहाँ पर 2024 लास्ट कीमत मतलब प्राइस, तो इस एम्पलीफायर का जो प्राइस रहेगा वो यहाँ पर 75,000 से लेकर के 80,000 के बीच में ये एम्पलीफायर आपको अभी मार्केट में देखने को मिलेगा। तो 75,000 से लेकर के 80,000 के बीच में ये एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा। एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आप जानते हैं ये 7,600 वाट का एम्पलीफायर है, 7,600 वाट का एम्पलीफायर है जो कि ये आहूजा का एम्पलीफायर है। तो आप जानते हैं काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर आपका होने वाला है। तो आप बिल्कुल आप इस एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं, टॉप के लिए भी ले सकते हैं, बेस के लिए भी ले सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।